इंद्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणा परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोतर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय। गजेंद्र के ऊपर जो संकट आया है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं उस सुंदर स्थान में हाथियों का प्रमुख अपने पत्नियां और हाथिनियां और बच्चों और अपने साथियों के साथ में वहां पर चल रहे हैं ऐसा, और उसको किसी भी प्रकार के कंटक पतों का कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है ऐसा। कितना बलशाली है, कितना प्रभावशाली है, वो किसी चीज से भयभीत ही नहीं हो रहा है। आप देखो जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, अंबानी जैसे जो भी लोग होते हैं, नेता लोग भी उनके पास जाते होते हैं, सब उनके पास जाते हैं, उनको डर नहीं है किसी का ऐसा। अपने बल के कारण कह लो, अपने धन के कारण कह लो, अपने प्रभाव के कारण कह लो, एक व्यक्ति के अंदर भय नहीं रहता है। लेकिन भक्त ना होने के कारण समय पे भय आवृत भी कर देता। शिल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से मैंने पूछा था एक बार कि महाराज जी दो व्यक्ति मरण स्थिति में हैं, एक भक्त है और एक भक्त नहीं है, मृत्यु के समय में उनका क्या मनोस्थिति होगा। महाराज जी बड़े सहजता से बोलते हैं जो भक्त है उसका क्या होगा, उसका तो कुछ नहीं, मतलब उसके लिए जीवन मरण सब एक जैसा ही है, वो उस अवस्था में विचलित नहीं होगा, एक अवस्था में रहेगा, उल्टा प्रतीक्षा करेगा कि कब मुझे इस त्रिगुणमयी शरीर से मुक्ति प्राप्त होकर मैं अपने नित्य प्रभु श्री राधा गोविंद देव जी के लीला में प्रवेश कर सकूंगा। लेकिन वही एक विषयी व्यक्ति उस अवस्था के अंदर भी चाहे जितना भी बता दे कि मैं नहीं डरता, वो समय आने पे कांपने लग जाता है, उसका भय उसको आवरण बना ले ऐसा ढक लेता। यहां ये गजेंद्र भी उसके प्रभाव से बड़े आराम से चल रहा है, कांटे खूंटे जो कुछ भी है पेड़ पौधे वगैरह तोड़ ताड़ते हुए चल रहा है, कोई चिंता ही नहीं उसको ऐसा। क्या बोल रहे हैं आगे बता रहे हैं, उस हाथी के गंध को पाकर जितने भी बड़े बड़े हिंसुक जानवर हैं, वो सब अपने आप रास्ता छोड़ रहे हैं, और जितने भी हाथी हैं वहां के वो भी पीछे हट रहे हैं, कमजोर
ऐसा नगर सेवक भी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लेता है जब वो अकेला होता, लेकिन वही एक एमएलए होगा या एमपी वगैरह होगा वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ रहेगा कोने में ऐसा। तो अपने आप को बलशाली मानने वाले जितने भी व्यक्ति यहां पर अपने आप को बलशाली पराक्रमी मानने वाले जितने भी उस वन के प्राणी हैं, जंगल के प्राणी, उस हाथी का सुगंध मिलते ही चुपके से भाग रहे हैं, एक तरफ होके जा रहे हैं। कितना प्रभावशाली है, उन सब के बीच में अपना आराम से चाल से चल रहा है, साथ में बच्चे भी कूद रहे हैं, सब बड़े आराम से चल रहे ऐसा। और क्या बोल रहे हैं, उस हाथी की कृपा से जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया, भैंस, सुअर, बंदर, ये जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, हिरण, कोई डर नहीं रहा है, वो बड़े आराम से वहां पर वो भी साथ साथ में चल रहे हैं या थोड़ा अपना आनंद में है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से ही सुना था कि पुरी का जो राजा के पास चार हाथी थे, तब एक नहीं चार हाथी, अभी तो एक भी नहीं है, लेकिन पहले चार हाथी हुआ करते थे जब 50-60 साल पहले। वो जो राजमहल है पुरी का, उसके पीछे खुली जगह था, उसमें हाथी को पालते थे। अभी तो सब गवर्नमेंट ले लिया और काफी तो बिक्री भी हो गया। महाराजी बोलते हमने देखा पुरी में रहने वाले छोटे छोटे जो सांड होते हैं, पुरी में देखा बहुत कम हाइट के गाय सांड होते हैं वहां पर, बहुत छोटे छोटे। बोलते हाथी जब खा रहा है वो सांड वहां आके उससे छीन के खाने का कोशिश करता है। महाराज बोले हम देखा लेकिन हाथी उसको कुछ करता नहीं है। क्यों? महाराज के बोलते उससे क्या लड़ना, कमजोर प्राणी है। ऐसा वो शत्रु है ही नहीं, हाथी के लिए तो वो दुश्मन है ही नहीं। बोलता चल खा ले, कुछ नहीं होता, कितना खा लेगा ऐसा। तो उसका कृपा है इन इन जीवों पे, उनको मालूम है कि ये जो है ये ऐसी कोई वन्य प्राणी नहीं है, जंगली जीव जंतु इतना भयंकर नहीं है ऐसा। तो इसीलिए वहां पर वो हाथी के हिम्मत से ये सारे जितने भी जीव है वो आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि वो तो मारेगा नहीं, और उसके रहने से जो खूंखार जीव जंतु है वो पास में आएगा नहीं। तो उन लोगों का डर चला गया, तो इसीलिए वो सब कोई डरे बिना बड़े आराम से वहां पर रह रहे हैं। और क्या बोलते हैं, इन सब पशुओं का जो नियंत्रण करने वाला कौन है, वो हाथी, वो उस स्थान का राजा वही है, इसीलिए उसका नाम भी गजेंद्र है। हाथियों में जो नरेश है, राजा है, मतलब स्वामी है, वो लोग यद्यपि उनके सामने आकर खड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो लोग खड़े होके कुछ करते हैं, लेकिन यह है कि निडर होके आराम से रह रहे होते हैं। और वो हाथी स्वयं जो गजपति है, वो झुंड के अन्य हाथियों और हथनियों के बीच में घिरा हुआ, पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं उनके। और क्या बोलते हैं, इन सबके चलने से त्रिकूट पर्वत के अंदर ऐसा धमक पैदा हो रहा है, ऐसे धा 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 करके, ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऊपर से ये तो इतना ताकतवर है, सब चल रहे हैं, ऐसा लगे मानो कि पहाड़ कांप रहा है, इतना अद्भुत वहां पर दृश्य हो रहा है। और साथ ही उसके बहुत पसीना भी छूट रहा है, क्यों छूट रहा, परिश्रम जो चल रहा है,
अहंकार हो गया, है ना। इस कारण से मैं राजा हूं ऐसे करके चल रहा है, एक हाथी का जैसे चाल है। और चलते हुए ऐसा नहीं है कि जो रास्ता है उसमें से जाएगा, वो अपने सूंड से मारता हुआ, तोड़ता हुआ पेड़ पौधों को, जो भी सामने आता है उन सबको तोड़ता हुआ अपना रास्ता बना के चल रहा है। ऐसा वो समझते नहीं, ऐसे लोग एक समय आने के बाद शरीर कमजोर हो जाता है। कब तक ऐसा? हाथी को बहुत, कई लोग उसको बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की उपमा देते हैं। हाथी का जो मेमोरी है बहुत शार्प मानते हैं। ऐसा आप हाथी का जो है आप देखते हैं तो पता चलता है कि हाथी को ऐसे मानते हैं लोग। क्या फायदा, इतना बड़ा अनर्थ का आमंत्रण होने जा रहा है। वो बेचारा पसीना से छूट रहा है और क्योंकि वो सिर मारता हुआ सूंड मारता हुआ जा रहा है, उसके मुंह से लार भी टपक रहा है, झाग निकल रहा है उसके मुंह से, और जितने भी भौरे जो उड़ रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो गिरता हुआ लार को पीकर अपने पेट को भर रहे हैं। क्यों? वो तो उसके अंदर तो मधु है जो कि भवरों को चाहिए, इसीलिए वही उसका मुंह के झाग से निकल के आ रहा है। उस मधु के बिंदु जो है, जैसे हमने कल श्रवण किया था, उस सरोवर के जल के अंदर पड़कर वो जल को मधुर भी बना दिया और साथ ही सुगंधित भी बना दिया। वो दिव्य सुगंधित जल अमृतमयी जल को पान कर करके रह रहा है। आज जब वो थक चुका है, अब शरीर जब क्लांत हो गया तो मुंह से जो झाग निकल रहा है वही निकल रहा। अब जैसे ये साधारण सी बात है, प्याज खाने वाले के मुंह से प्याज का ही तो निकलेगा, मूली खाने वाले के मुंह से मूली निकलेगा, है ना। जो जो वस्तु खाता है, अब हमने देखा एक्सीडेंट होने के बाद 2 महीना तक कोटक्कल आयुर्वेद का जो तेल है मुरिवेन्ना तेल करके उसको खूब मला, और उसके अंदर लहसुन का कुछ है कंटेंट है, 2 महीना कमर से लेके नीचे तक मलते रहे। और अभी हमको कभी भी पसीना आता है, खुद ऐसा अनुभव होता है कि शरीर से वो मुरिवेन्ना तेल जैसी बदबू आ रहा, हमें ये एलर्जी होने लगता है, को घुस जाता है अंदर। ये साधारण सी बात है। तो इसीलिए ये गजेंद्र भी मधुपान करता था, वहां पर ऐसे अद्भुत मधुर जल का पान करता था, उसके चलते उसके मुंह से जब झाग निकल रहा है उसमें भी मधु निकल रहा है, और भंवरे जो है वहां जाके ऐसे ऐसे करके उसको पान कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे करता हुआ चल रहा है मध में चूर होके। ऐसा अभी उसका दृष्टि भी चढ़ा हुआ है, उसकी नजरें भी जो है चढ़ा हुआ है, तू क्या है मेरे सामने, ऐसे कोई हो या ना हो, कुछ लोग होते हैं उनके आगे किसी का होने की जरूरत नहीं है, अपनी एटीट्यूड ऐसा होता है, वो ऐसा ऐसे। ये अब जंगल में इतने रिश्तेदार साथ चल रहे हैं, एक तो उसके पत्नियां बच्चे इन सबके साथ साथी भी चल रहे हैं, और वो अपने प्रभाव से जंगली जानवरों को भगाता हुआ चल रहा है, तो वो कहां से वो हल्का रहेगा, वो दीनता के साथ थोड़ा चलेगा, चल ऐसा चल रहा है।
और क्या बोल रहे हैं उसका वहां पर मधुपान करके क्या हुआ उसका, और भी उसके अंदर का मद और भी चढ़ता गया। और वो दूर से ही कमल के फूलों का जो दिव्य सुगंध है उसको वो अनुभव कर रहा है। मतलब उसको प्यास लगा हुआ है बहुत तेज, उसका ध्यान जो है पानी की तरफ जा रहा है। इसीलिए जहां उस सरोवर में दिव्य कमल है, कुमुदनिया है, वहां के स्वच्छ पवित्र जल, उधर से बहने वाला जो दिव्य सुगंध उसको आमंत्रण कर रहा है कि तुम थक गया, आओ, तुम्हारे लिए भगवान का कृपा प्रतीक्षा कर रहा है, आओ। ऐसा तो क्या हुआ, वो चलते हुए सबके साथ मिलकर सरोवर के तट पे जाके पहुंच गया। वो समय आ ही गया जब हाथियों का राजा सरोवर में घुस गया। पानी देखने के साथ साथ ही प्यासा व्यक्ति ऐसा होता है, पानी देखने के साथ साथ ही वो क्या करेगा, उसको पीने के लिए दौड़ेगा। ऐसा पूज्य महाराज श्री अक्सर बोलते हैं कि वृंदावन में जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो महाराज जी वहां पर रुक के कार्य निरीक्षण कर रहे थे। अचानक देखते एक लड़का भागता हुआ आया। महाराज बोलते उसको देख के हम समझ गया कि ये प्यासा है, लेकिन उसने कोई बातचीत नहीं की, सीधा चला गया और एक नलके में से पानी लेकर के पीने लगा। महाराज बोलते हैं कि बाद में मैंने पानी पी के आया तो मैंने उससे पूछा, अगर आपको पानी चाहिए था आप अगर मांग लेते थे, इधर तो ठंडा जल मटके में रखा हुआ था। वो आदमी कहता है कि महाराज मांगने जितना समय नहीं है, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा था, अगर पानी नहीं पीता तो मैं मर ही जाता। मारे बोलते हैं जो तृष्णातुरा नाम नपात्र शुद्धि, प्यास से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नहीं देखता है कि ग्लास टूटा है, जंग लगा है, सड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं है, जो मिला भैया दे दो उसी से पी लूं। कोई बोलेगा ये झूठा ग्लास है, कम से कम धो तो लेने दो, बोलते नहीं होगा इसे ही दे दो तो। ऐसा क्योंकि वो पानी जो दिख रहा है वो उसको समझ में आ रहा है कि ये मेरा प्राणों का रक्षा करने वाला साधन है। इस समय जितना भी मद में है, जितना भी है, तो एक जीव अंदर अंदर से थकावट अनुभव कर रहा है और ऊपर से मधुर मधुर जल देख रहा है, सीधा उतर गया पानी के अंदर। क्या किया, खूब नहाया। हाथी ऐसे ही करता है, पानी में उतरता है तो सूंड से पानी भर भर के जूम पूरा शरीर में डालता है चारों तरफ से, बहुत ज्यादा नहाया, उससे उसका थकान भी दूर हो गया। और अगर हाथी थक जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, गर्मी चढ़ जाता है उसको, फिर उसके बाद पागल हो जाता है और कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसको बराबर नहलाना, ये वो सब करना होता है, पानी देना सब करना होता है। अब वहां खूब नहाया, खूब पानी पिया, और इतना ही नहीं, उसने क्या किया उस पानी को उठाकर अपने पत्नियां और बच्चों के ऊपर भी डालने लगा। खुद तो पिया ही पिया, नहाए न, उनको भी नहला रहा। चलो सब वहां पर खेल रहे हैं बड़े आनंद में और ये सबके ऊपर पानी डाल रहा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन और अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य
जैसा होता है उसी की तरह आज ये हाथी भी जो है आचरण कर रहा है वहां पर। उस हाथी का आचरण दिखलाई दे रहा है कैसे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है एक मनुष्य में। वो मतलब है कि जो विषयी व्यक्ति है, जो विषयी व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसको अपने परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहेगा। परिवार में प्रेम रहना गलत नहीं है लेकिन व्यर्थ की आसक्ति होना वो ठीक नहीं है। परिवार में अगर प्रेम नहीं है तो वो परिवार चल ही नहीं सकता, है ना। पिताजी का डायरेक्शन एक है, माताजी का एक है, बेटे का एक है और उसके बाद बेटी का एक है, दामाद का एक है, बहू का एक है, आदमी जाएगा कहां। वो कोई होटल तो है नहीं कि शाम को इकट्ठे हुए सारे खा पी के सो गए, सुबह सुबह फिर अपने अपने डायरेक्शन में उड़ गए, किसी को किसी से लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। परिवार में प्रेम होता है और होना भी चाहिए, उसको शास्त्र निराकरण नहीं कर रहे, लेकिन आसक्ति जो है वो बड़ा खराब है। आसक्ति का परिणाम केवल दुख है, आसक्ति का केंद्र केवल गुरु वैष्णव भगवान होना चाहिए, आसक्ति का केंद्र केवल नाम प्रभु होना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु से कम स्नेह नहीं किया था, कम प्यार नहीं किया था। अर्जुन का पुत्र है लेकिन जो शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अर्जुन विचलित तो हो गए थे लेकिन कृष्ण नहीं। 56 करोड़ यदुवंशी उनके ही परिवार के, ऋषि वंश के, लेकिन कृष्ण विचलित नहीं हुए थे। इसीलिए भगवान की भगवत्ता को अभिव्यक्त करने वाले 6 गुणों में वैराग्य भी एक है। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नाम भगयति। ऐसा ज्ञान और वैराग्य, और वो भी समग्र रूप से, उनके सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ साक्षी के रूप में देख रहे हैं लेकिन किसी भी चीज का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। खुद बोल रहे नामय कर्म फल स्पृहे, अगर मैं कोई कर्म भी करता हूं तो उसका कर्म फल भी मुझे स्पर्श नहीं करता है। क्यों ऐसा, उनका कर्म में आसक्ति नहीं है। कर्म में आसक्त व्यक्ति को कर्म फल लेना पड़ता, अनासक्त भाव से किया गया कर्म का जो फल है वो स्पर्श नहीं करता है। इसीलिए कोई सोचे कि मैं कुछ भी करूंगा अनासक्त होकर, वो नहीं चलेगा, वो भूमिका की बात है। ऐसा उस स्तर की बात है जिस स्तर में इस बात को बतलाया जा रहा है। खैर जो भी हो, यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान जैसे एक व्यक्ति में नहीं होता, वो परिवार में जैसे आसक्त होकर उसका सब कुछ परिवार के प्रति परिवार के लिए होता है, इसी प्रकार से ये हाथी भी यहां पर काम कर रहा है। क्या बोलते हैं, उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उसको सबके ऊपर छिड़काव कर रहा है, इससे बहुत परिश्रम भी हो रहा है। खेल है सूंड से पानी को खींचना फेंकना, खींचना फेंकना, और वो भी एक दो नहीं बहुत सारे, बड़ा कष्ट है लेकिन वो उस कष्ट को, उस परिश्रम को अनुभव नहीं कर रहा है। आप देखो बहुत तेज बुखार है, बहुत मुश्किल है, शरीर में दर्द तकलीफ है, बुखार है, लेकिन काम पे जा रहा है। क्यों भैया विश्राम करो, बोले नहीं तनख्वाह कट जाएगा,
तबीयत ज्यादा जरूरी है, तनख्वाह कट गया तो क्या है? नहीं, बच्चों को देखना है, बीबी को देखना है, ऐसा। यही बात यहां पर बता रहे हमारे पूर्वाचार्य श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य श्री गोविंद कविराज, वो बड़े सुंदर कीर्तन लिखा, हम सब जानते हैं उसको। उसमें वो यही बोल रहे हैं, बोलते हैं, विफले सेविनु कृपा न दुर्जन, जिनकी सेवा में मैं निरंतर रत हूं वो कृपण है और दुर्जन है। इस चीज को वो व्यक्ति अनुभव कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा कृपण क्यों है? क्योंकि भगवान ने विवेक दिया, जिस विवेक के माध्यम से साधु संग कर सकता है, जिस विवेक के माध्यम से अपने परमार्थिक प्रगति का मार्ग को सुष्ट रूप से पालन कर सकता है, लेकिन नहीं करता। मतलब हरिनाम नहीं करेगा, हरि कथा श्रवण नहीं करेगा, साधु सेवा नहीं करेगा। विवेक का प्रयोजन क्या? जब इन सब चीजों में एक व्यक्ति का रुझान ही नहीं, झुकाव ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के अंदर सज्जनता का है। हराव भक्त से कुतो महत गुण, जब एक व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित ही नहीं है, उसके अंदर कोई सद्गुण होने की संभावना ही नहीं। क्यों? वो निरंतर अपनी क्रियाओं के द्वारा मनोरथेन असतो धावता वही, वो मन रूपी रथ में बैठकर असत की तरफ जा रहा है, दुसंग की तरफ जा रहा है। जो दुसंग व्यक्ति है, वो व्यक्ति का पीछे, वो दुर्जन व्यक्ति का पीछे अपनी तमाम ऊर्जा को निवेश करने का क्या अभिप्राय है? ऐसा। लेकिन वैसे ही व्यक्ति ऐसे ही करता है और फिर उसको परिश्रम अनुभव भी नहीं होता। शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे, गार्धवेर मोतो अमी कोरी परिश्रम, ऐसा। कैसे परिश्रम कर रहे हैं? हल्का फुल्का नहीं कर रहे, इतना मेहनत कर। कितनी भयंकर उपमा दे दिया उन्होंने, किसी मनुष्य के साथ में नहीं, पशुओं के अंदर भी गधे के साथ में तुलना कर रहे। चलो कर रहे सो कर रहे, बड़ी विचित्र बात है, कार लागी है तो कोरी, किसके लिए मैं कर रहा हूं? इतना परिश्रम क्यों कर रहा? गजेंद्र को भी समझ में आ जाएगा, वो तो बड़ा खुश होकर मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार बोल के करे जा रहा, इतना थकावट भी हो रहा है, उसको भी परवाह नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान तो परम दयालु है, उन्होंने जीव के ऊपर कृपा करना ही था। इसीलिए क्या होता है, विधाता ने जैसे रचना कर दिया भाग्य को, उसी के अनुसार वहां पर एक मगरमच्छ पहुंच गया। आज तक उसके साथ लड़ने वाला कोई नहीं है, और आज लेकिन एक मगरमच्छ वहां पर पहुंच गया जो कि हाथी के ऊपर नाराज हो गया है। ऐसे नहीं आया, नाराज हो क्या? क्यों? मगरमच्छ जल का जंतु है, हाथी जमीन का। पानी पीना गलत नहीं, अंदर घुसकर अपना आधिपत्य प्रदर्शन करना वहां पे भी वो गलत है। वो पानी में घुस के ऐसे उदम मचाने लगा कि अंदर बैठे हुए जितने भी जलचर जीव है वो सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है।
वो सबको परेशानी हो, और उनके बीच में से जिसका ताकत जो है सर्वाधिक है, उसने समझा कि चलो मैं अब तुमको सिखाता, वो सीधा वहां पे पहुंचा। क्या किया? पहुंचते ही हाथी के पांव को पकड़ लिया। बोलते हैं हाथी जो है निश्चित रूप से बलवान है, लेकिन उससे उस छुड़ा नहीं पा रहा। क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है छुड़ाने का। बाकियों के साथ में प्रयास भी नहीं करना था, उसके महक से ही सब इधर उधर भाग रहे हैं, सारे जीव जंतु, कोई पास ही नहीं आ रहा। और उसके शब्द जब पड़ता है, वो धमक जब पड़ता है, उससे और ज्यादा कांप रहे हैं। लेकिन यहां पर उसको छुड़ाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, छुड़ा ही नहीं पा रहा। आगे क्या हुआ? तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंगाड़ने लगी। उनका ऐसी परिस्थिति देखकर पत्नियां रोने लगी। बड़ी विचित्र बात है, इधर भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि बचेगा नहीं, आंसू पोंछ के वही बोलते हैं, वेंटिलेटर हटा दीजिए, बड़े सम्मान के साथ मार डालो, ऐसे बोल रहे हैं। क्यों? ना मर रहा है ना जी रहा है, अभी भी हुआ दो चार दिन पहले, एक हफ्ता पहले एक माता आई है, हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, उसमें से एक माता जी आई थी। वो माता जी को जब वो प्रेग्नेंट थी, उनको फिट्स हुआ था, उसका इफेक्ट जो है अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर पड़ गया। फिट समझते हैं, मिर्गी बोलते हैं उसको, मिर्गी के दौरे जो पड़ गए हो वो माता को, उससे अंदर जो गर्भ में बच्चा था उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया। जब जन्म हुआ उसके बाद से लेके आज 14-15 साल हो गया, बच्चा खड़ा नहीं हुआ, बिस्तर पे ही रहता है। उसका मल मूत्र क्या, कपड़ा बदलना क्या, स्नान क्या, सारा कुछ वही पे, ना कुछ पढ़ाई कर सकता है ना कुछ कर सकता है, जैसे भी है। आई पहले तो माँ थी, कई लोगों ने एडवाइस किया था, तब तो मन बना नहीं, लेकिन अब जो है 15 साल से एक आदमी को लगातार वहां रह के अटेंड करना है, अपने आप बाथरूम भी नहीं जा सकता है, सब कुछ खुद ही करना है, साथ रह के कपड़ा बदलने से लेके खिलाने से लेके सब कुछ करना, थक गई है। मेरे पास आई थी जब हम बरसाना में थे, हाथ जोड़ के बोलती है, आप कृपा करके उपाय बताएं जिससे कि उसको मोक्ष मिले। स्टेटमेंट पॉजिटिव अप्रोच है, बट लेकिन भावना मोक्ष का नहीं है, भावना इसका है कि मुझे छुटकारा मिले। ऐसा, क्योंकि वो भजनशील है नहीं, आई है एक गेस्ट की तरह, घूमने आई है, देखने आई, दर्शन करने आई। मालूम है भारत की है, वो संस्कार तो होते ही है कि साधुओं के पास जाना है, कैसे बोलना है, ऐसे करके, इसलिए वो कह रही आप कृपा करके कोई मुझे मार्गदर्शन दे जिससे कि उसको मोक्ष मिल सके। 14 साल का बच्चे को मोक्ष की कामना करते हो, कारण ये उसका कष्ट एक, दूसरा वो लाइबिलिटी जो हो गया है। ऐसा
शुरू शुरू में कष्ट होता है, जब एक समय आने के बाद ऐसा लगता है कि जाओ। और गजेंद्र का जीवन में ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो लोग रो रहे हैं वहां पे क्योंकि उनका पति संकट में है, और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं उसको मदद करने का, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं छोड़ दिया है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मगरमच्छ का ताकत इतना है कि वो उसको छुड़ा नहीं पा रहे हैं। जलचर जीव है, पानी के अंदर उसका ताकत तो बढ़ नहीं है, वो अपनी टेरिटरी में, और ये तो जलचर नहीं है, गया है, इसलिए ये कमजोर होना ही है। वो लोग उसको पकड़ के खींचने का कोशिश करते हैं, मगरमच्छ उसको अंदर खींचता है। हम लोग भी इसीलिए कमजोर हैं क्योंकि हम भी जिस टेरिटरी के नहीं हैं वहां हम लोग रह रहे हैं। ऐसा हम कहां के, और बोलते भगवान के स्थान के, भगवान की कृपा से, उनके तटस्थ शक्ति से हम लोगों का आगमन हुआ, जन्म हुआ। वैसे देखा जाए तो हर जीव का आविर्भाव ही हुआ है, लेकिन वो बद्ध हो गया, उसको ये बात समझ नहीं है, वो शरीर को मैं समझने के कारण वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया। जो आत्मज्ञानी है वो लोगों के लिए फिर जन्म बोल के कुछ होता नहीं, उनके लिए आविर्भाव ही होता है। ऐसा जीवात्मा उसका क्या जन्म, ऐसा तो जो हो वो हाथी वो लोग बचाने का बड़ा ही हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। मगरमच्छ के ताकत के आगे इतने सारे हाथियां और खुद ये जो गजराज है उसका ताकत भी फीका पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का लिखा लेख है। सुखदेव गोस्वामी ने पहले बता दिया, विधाता का ही यही विधान है, उसको कौन टाल सकता। अब क्या हो रहा है, हाथी और मगरमच्छ जल के बाहर जल के भीतर, कभी हाथी उसको बाहर खींचता है थोड़ा, कभी मगरमच्छ उसको अंदर खींचता है। ऐसे लड़ते लड़ते 1000 साल बीत गया, 1 साल 2 साल नहीं, ऐसा 1000 साल सम सहस्रम ऐसा बोल रहे, 1000 साल निकल गया और इतनी भयंकर लड़ाई चल रहा है। देवता लोग भी आश्चर्यचकित होके देख रहे हैं। ऐसा प्रकृति में जो भी होता है उसके साक्षी बनकर देवता हर चीज को देखते हैं। ऐसा हम लोगों को मालूम नहीं है, हमारे संस्कारों के अंदर ऐसा वर्णन है, शौच में जाते टाइम भी ताली मारना पड़ता, जैसे मंदिर में जाते हुए ताली मारते हैं। ऐसा सब जगह पर कोई ना कोई देव अवस्थित होकर हर क्रिया को हर जीव को निरीक्षण कर रहे होते हैं, जैसे सीसीटीवी आए, हमारा ध्यान जाता नहीं है, कैमरे लगे हुए, वो कैमरे में सारा कुछ जो है मॉनिटर हो रहा होता है। इसी तरह से जितने भी देवता हैं वो सारे देवता इस प्रकृति को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसलिए वो लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया, हाथी का गजेंद्र का और ग्राह का युद्ध हो गया, और वो भी 1000 साल इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। वो लोग आश्चर्यचकित होकर सब देख रहे हैं वहां पर। और क्या होता है, जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण क्या हो गया उसके साथ, बेचारे के साथ उसका मनोबल गिरना शुरू हो गया। 1000 साल लड़ते लड़ते जो मनोबल गिरा नहीं, आज वो मनोबल गिरना शुरू हो गया।
ऐसा ये सब तब तक ही है जब तक मनोबल कमजोर नहीं होता। मन कमजोर होने से फिर उसके बाद कुछ नहीं, शरीर कमजोर होने से उसके बाद कुछ नहीं, इंद्रिय कमजोर होने से उसके बाद कुछ नहीं। वो खली नाम का एक पहलवान रहता है, इतना लंबा होता है, बहुत लंबा। हम उनको मिलके आए, मतलब हम मिलने नहीं गए, हमारे जालंधर में जहां प्रोग्राम था सीए साहब के घर में, वहां पर उन्होंने उनको निमंत्रण किया तो आए थे। कुर्सी भी उनके लिए छोटा हो जाता है एकदम। जब मैं पहली बार उनको देखा था, मेरे साथ बच्चे भी थे, वो लोग उसको देख के बड़े खुश हो रहे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कौन है। मैं इतना देख रहा था कि बड़ा लंबा चौड़ा आदमी आज तक नहीं देखा इतना लंबा करके। वो लोग कॉफी लेके आए थे, सब ऐसे पकड़ के पी रहे हैं कॉफी, वो तो ऐसे लग जैसे कि पंचपात्र का चम्मच से कॉफी पी। जब पहले बार देखा था, उसके बाद प्रोग्राम में भी आया। जो भी कहने का मतलब, इतना मजबूत व्यक्ति, लंबा चौड़ा व्यक्ति, एक पहलवान व्यक्ति, रेसलर है ना ऐसा, हाँ, इतना बड़ा व्यक्ति है, आज के दिन आराम से तेजी से चल भी नहीं सकता है, धीरे धीरे चलता है, तेजी से चल नहीं सकता। कुछ फॉर्म में दिक्कत है, इधर दिक्कत है, शारीरिक रूप से कमजोर है, इंद्रियों से कमजोर है। इस कारण से, शरीर को मैं समझने के कारण, मानसिक रूप से भी कमजोर है। मेरा शरीर अब ऐसा हो गया, मैं क्या चल सकता हूं, ऐसा है स्थिति। बरसाना, जब हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, बरसाना में रुकते हैं, तो सुबह भी जाना जाते थे, रात को भी शयनारती में जाते थे, 4-5 दिन रुकते परिक्रमा करते टाइम। जब इस बार मैं 5 दिन रुका, एक ही बार ऊपर गया, पूरा दिन परिक्रमा करके इधर उधर जाके बरसाना के मंदिर में ऊपर तक जाने का हिम्मत नहीं हुआ। एक दिन गया, वो भी वहां का जो पंडा है वो मोटरसाइकिल में लेके गया ऊपर, सीढ़ियां चढ़ के नहीं गया, हिम्मत नहीं। मन कमजोर हो गया, शरीर कमजोर होने से, खैर जो भी हो, यहां पर क्या बोलते हैं, लड़ाई करते करते बेचारा इतना थक गया कि आज वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया, उसको ये विश्वास उठ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा लग नहीं रहा कि मेरे कोई बचने का संकेत नहीं दिखलाई दे रहा है, शरीर भी कमजोर हो, खाने को कुछ है नहीं, वो लड़ी रहा है, लड़ी रहा है, 1000 साल से इंटरवेल ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कुरुक्षेत्र युद्ध है, सुबह से शाम तक लड़ रहे हैं, सूर्यास्त के बाद बोल रहे कि जाओ खा पी लो रेस्ट करो, वहां तो ऐसा है नहीं। पकड़ के रखा हुआ है, कोई उसके पास विश्राम करने का समय नहीं, 1000 साल से ना सोया ना खाया ना विश्राम किया ना कुछ, कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है। इसीलिए हाथी कमजोर होता चला गया। मगरमच्छ पानी का जंतु है, इसीलिए अपने आप से ही उसका शरीर पुष्ट हो रहा है। पानी के अंदर के जो भी पदार्थ उसको ग्रहण करना होता है, वो मुंह खुला ही है, हाथी के पाँव में पकड़ा हुआ है, अगल बगल से उसके खाद्य पदार्थ भी जा रहा है, वो खा भी रहा है, लड़ भी रहा है, उसके सामने ये बेचारा कमजोर होता चला गया। यही बात सुखदेव गोस्वामी यहां पर बता रहे। इसके विपरीत मगरमच्छ जो है, जल के जीव होने के कारण बड़े उत्साह में है, अभी भी 1000 साल बीतने के बाद भी उसके अंदर इतना उत्साह है, वो बहुत खुश है और वो लड़ाई करे जा रहा है वहां पर। और क्या बोलते हैं, जब गजेंद्र ने देखा
कि भगवत इच्छा से कि वो उस मगरमच्छ के चुंगल में फंस गया, भाग्य ना होने से किसी को ये बात समझ में आता भी नहीं है। जब मौत आता है तो ये चीज समझ में आना उसके लिए परम सौभाग्य की जरूरत है। इसको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसका एक पूर्व वृत्तांत है कि वो एक राजा है इंद्रदम्न नाम का। वो पूरी वाले जो इंद्रदम्न महाराज वो नहीं है, दूसरे हैं ऐसा। और उस समय भगवान का निरंतर सेवा पूजा किया करता था। वो पूर्व संस्कार जो है वो शरीर बदलने के बाद भी भगवान का कृपा के रूप से आ रहे हैं। भगवान बोल दिया नेहा विकरम नाश्वस्ति, मेरे लिए किया हुआ साधन का कभी भी क्षय नहीं होता। गजेंद्र ने पूर्व जन्म में साधना किया, इसीलिए जीवन के सबसे भयंकर विकट स्थिति में वो इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान की इच्छा से मैं इस परिस्थिति में आया। हम बोलते हैं जाए विधि राखे राम ताहे विधि रहिए करके, लेकिन समझ कब आता है? जब एक साधना है पूर्वकृत साधन का प्रभाव से। आज हम करेंगे तो कल हमको ये चीज समझ में आए, वो पहले से करते आए इसीलिए आज उनको यह बात समझ में आ रहा है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है ऐसी स्थिति में फंसकर मैं असहाय और संकट से घिर चुका हूं और ना ही मैं अपने अब प्रयास से इस संकट से बाहर निकल सकता हूं। ऐसा मैं नहीं निकल सकता इससे बाहर। और मनोबल गिर जाने का पीछे कारण है 1000 साल एक तो लड़ाई, ऊपर से धीरे धीरे दोस्त सारे छोड़ के चले गए, सारे छोड़ के चले गए धीरे धीरे, और हाथी ये सब छोड़ के चले गए। रोते रोते विलखते विलखते धीरे धीरे जब हथनियों ने देखा कि अब तो हमारा स्वामी का बचने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। अपने आंखों के आगे, मौत के आगे उनको छोड़कर, एक एक उनसे दूर होता देखकर उनका और मनोबल गिरता चला गया है। बच्चे भी चले, एक ऐसी अवस्था जहां पर वो देख रहे कि मैं तो अकेला पड़ा हूं इधर, मेरा तो कोई भी नहीं है, सबको मैंने अपना समझा लेकिन मेरा अपना बोल करके कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ना भजिया तो रे दिन वृथा गेला, एखोन की हवे गति। अब क्या गति होगा, दिन तो चला गया और आपका भजन भी नहीं किया। गजेंद्र का वही स्थिति दिख रहा है, वो सोच में पड़ गए कि मेरा तो मौत सामने है, मेरा मरण मेरे सामने, और उसके बाद अपना बोल के कोई नहीं है, अब मेरा गति क्या होगा नाथ, ऐसे करके चिंतन कर रहे हैं। और यही चिंतन करते करते एक निर्णय पे पहुंचे। क्या बोलते हैं, जब मेरे मित्र और संबंधी जितने भी हैं वो लोग मुझे मेरे संकट से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मेरी पत्नियां मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो और किसका कहना क्या, कौन मेरा रक्षा करेगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए बोले हैव फेथ इन गॉड, ऐसा हैव फेथ इन गुरुदेव, हैव फेथ इन द होली नेम, लॉर्ड इज द सेवियर, और कोई नहीं है। ऐसा भगवान कृपा करके ये शब्द अंदर से निकलवाया। ऐसा भरोसा केवल कृष्ण है,
भरोसा केवल गुरुदेव है, भगवान है, हरि नाम है और कोई नहीं है। दिख सकते हैं हमारे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन वो समय में अपना कोई नहीं है। एक ऐसी जगह आता है, एक ऐसी पॉइंट आता है जहां पर सभी के इमोशंस का डेड एंड हो जाता है। देन देयर इज नो वन, यू आर ऑल अलोन। ऐसा सामने मृत्यु खड़ा है और कुछ नहीं है, और यहां हम अकेले पड़े। जो भी है ऐसी परिस्थिति में चिंतन करता हुआ गजेंद्र के साथ क्या हुआ, उसको हम लोग कल चिंतन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्तम याम कीर्तन, इसको करना प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहीन मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युग वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिशेनाया गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवा तुषान ले पोड़े जेना न जाय जीवा। गाइते गाइते नाम की दशा हैलो कांदीते मोत आंखी वरी शाए कांदीते कांदीते मोत आंखी वरी शाए वर्षाधार हेनु चक्षे हरिल उदा Yeah.
चाहिलो मोर शतायुग सामा। मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे, देखाओ श्री राधा नाथे। भगति विनोद मिनती मानिया, लोहे तारे साथे, लोहे तारे साथे, लोहे तारे साथे, लोहे तारे साथे। श्री कृष्ण विरह सही देना संगे श्याम नट भर रंगे, बांसुरी बजाए निपमूले, देखिया युगल धन अस्ति रहिलो मान, ज्ञान हर हिल कतक्षणे नाही ज्ञानी ज्ञान लाभ हैलो मानी, भेलो दर्शन आर नाही, भेलो दर्शन हे माने धरी
समय की राधा कृष्ण की जो लीला उसके बारे में यहाँ पर इशारा दिया। वैसे तो गोविंद लीलामृत बहुत मोटा ग्रंथ है, अधिकार की बात है, इस कारण से हम लोगों को उतना मोटा ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा सा इशारा दे दिया जिससे कि हम लोगों को उस साधना की तरफ जाने की इच्छा जागे। ऐसा उसी के अंतर्गत इस समय क्या लीला है यहाँ पर बता रहे हैं। राधाम सलिगणाम तमसितशिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिश्रित यमुना तीर कल्पाग कुंजम कृष्णं गोपै सभायां वीत गुणी कललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीयं संशयितमित निवृतं प्राप्त कुंजं स्मरामि। यहाँ पर बता रहे हैं वृंदा देवी का उपदेश को लेकर, वृंदा देवी का मार्गदर्शन, जो भी राधा कृष्ण की लीलाएं अष्ट सखियों के साथ मंजरियों के साथ जो भी लीलाएं होना है, ये सबका जो ऑर्गेनाइजर है वो वृंदा देवी है। इसीलिए निशांत लीला से लेकर रात्रि लीला तक सब वृंदा देवी का ही है। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है, कुंजे नान रव कराइल वो सुबह होता है और रात को वृंदा परिचर्य पाइया प्रस्थली गणेर लैया राधा कृष्ण रासादी कली। ऐसा अभी भी यही है, वृंदा देवी की इशारा को लेकर अपने सखियों के साथ राधा रानी जमुना जी के पावन तट पे जो कुंज है वहां पर जाके प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा और कैसे शुक्ल पक्ष में हल्के रंग के वस्त्र पहनकर, कृष्ण पक्ष में गहरे रंग के एक वस्त्र पहनकर, जिससे कि दिखलाई ना दे। ऐसा तो जो हो, कृष्ण क्या कर रहे हैं यहां पर, कृष्ण का क्या लीला है, गोदोहन करके आ गए हैं और अभी
भोजन भी कर रहे हैं सखाओं के साथ करके, उनके बीच में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं। यशोदा मैया चिंतित हैं कि सुबह फिर जाना है गोचारण के लिए, थक जाएगा लाला, इसीलिए उनको दूध वगैरह पिलाकर सुलाने का कोशिश कर रही है। लेकिन भगवान का तो कुछ और ही योजना है। तो क्या बोलते राधा, यशोदा मैया सुला देती है, ऐसा करके लेट जाते हैं, अच्छा मैं सो गया। जैसे ही पीछे से श्री राधा जी के साथ मिलने के लिए उस निवृत्त कुंज की ओर गमन करते हैं, ऐसी उनकी लीला है। राधा वृंद उपादेशे यमुना पकुला देशे राधा वृंदावनादेशे यमुना पकुलादेशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सीता योग्या धारी देश संगे सानंद अंकारे सखी संगे सानंद अंकारे सखी संगे सानंद अंकारे सखी संगे सानंद गोपसभामाजे हरि नाना गुणा कोलाए गोपसभामाजे हरि नाना कोलाए मातृयत्ने करिलो जयना मातृयत्ने करिलो मातृहत्ने करिलो राधा संग संभरिया निवृत्ते बाहिरा हैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण अष्टमयामन सो रहे अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन, ये प्रेम भजन है। साधारण जीव का बस का काम नहीं है ये, केवल राधे राधा रानी और उनके अंतरंग परिकरियां ही इस भजन लीला में अधिकारी है। ऐसा हम चिंतन करके वहां तक जा सकते हैं, उसमें नहीं जा सकते, वो उनका काम है, उनका अनुगत कर सकते हैं। ऐसा
वहां हमें उनका अनुगत करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है अगर हम अधिकार प्राप्त करें तो। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विददातु लंपटो मत प्राणनातस्तु स एवनापर। अमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि। अमी कृष्णा आलिंगिया करे आत्म साथा। आलिंगिया करे आत्म साथा। आलिंगिया करे आत्म साथा। गिव नाते दर्शन ना जाने मोर प्राणनाथ। तब के हो मोर प्राणनाथ। तब के हो मोर प्राणनाथ। तब के हो मोर प्राणनाथ। गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर् वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालि विरल संतो विपिन विहारणैर् गानरासादिलास्य नानालील नितान्तो प्रणयी सहचरि वृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां शुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि।